wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान राजपूत फ्रॉम mtechshow.com और आज आपके लिए बहुत ही एक डिमांडिंग प्रोडक्ट लेकर आए हैं। उसकी पिक्चर जो है कुछ दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, तो उसकी रिव्यू की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आज हम उसको रिव्यू करते हैं। सो आज हम अनबॉक्स करेंगे निया NB710 स्पोर्ट्स एयरफोन्स का। ये आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, और कुछ मैं आपको ब्रांड के बारे में बताता चलूँ। निया ब्रांड जो है ये आपकी जो म्यूज़िक एड्स की एक्सेसरीज हैं उसमें काफ़ी अर्से से मार्केट में बना हुआ है, और ये एक ब्रांड है प्रॉपर चाइना में। इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके पास डिफरेंट ब्लूटूथ हेडफोन्स और सिंगल आपकी साइडेड जो कॉलिंग वाली ब्लूटूथ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनकी रेंज मार्केट में अवेलेबल है। और हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कस्टमर के लिए कि वो एक बजट की रेंज में रहकर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है उसको चूज करें। सो निया NB710 जो है ये आपके स्पोर्ट्स एयरबड्स आप इनको कह सकते हैं, या एयर डॉट्स भी आप इनको कह सकते हैं, या जो भी आप चाहें इसको कह सकते हैं। वैसे पिछली जितनी भी वीडियोस थी वो सारी एयरबड्स वगैरह के रिलेटेड ही थी। एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं इस वक्त ट्रेंड में बहुत ज़्यादा हैं, सो मेरी कोशिश है मैक्सिमम इन चीज़ों की कवरेज की जाए ताकि अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट की जाए। सो निया NB710 को आज हम अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, इसके जितने फीचर्स हैं, इसकी जो क्वालिटी है उसको सारे को इंस्पेक्ट करेंगे आज। और वैसे तो मैं इस प्रोडक्ट को जो है इसके बॉक्स की क्वालिटी से देख के मुझे आइडिया हो रहा है, बहुत ही प्रीमियम इसकी बॉक्स है, बहुत ही प्रीमियम इसकी पैकेजिंग है, और प्राइस में ये बहुत ही नॉमिनल है। मतलब कोई भी अगर बजट रेंज के अंदर ढूंढ रहा है कोई एयरफोन्स या एयरपॉड्स वगैरह वायरलेस TWS, मतलब आपका जो है वायरलेस सॉल्यूशन ब्लूटूथ के रिलेटेड, तो वो निया NB710 को कंसीडर कर सकता है। इसके सेलियंट फीचर्स में आपको बताता चलूँ तो वो सबसे पहले ये है कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और दूसरा सेलियंट फीचर इसका ये है कि ये जो है वायरलेस एयर डॉट्स की शेप में आता है, मतलब टोटल वायरलेस सॉल्यूशन है आपका ये। और इसका जो थर्ड सेलियंट फीचर है वो ये है कि स्पोर्ट्स लुक में आता है, मतलब कि पहले जितने भी एयर डॉट्स वगैरह आ रहे थे GT1 हो जाए या Redmi के एयर डॉट्स हो जाए वो स्पोर्ट्स लेवल के नहीं थे। उसमें ये होता था कि जब स्वेटिंग होती है आपके ईयर्स में तो उनकी ग्रिप जो है वो लूज हो जाती है। इसमें आपको इस तरह का मसला नहीं आएगा। और इसका एक और सेलेंट फीचर है वो ये है इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है इसके जो चार्जिंग कंपार्टमेंट की वो काफी ज्यादा है। सो अभी इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, सो आप वीडियो को देखते रहे। सो व्यूवर्स, ये इसका बॉक्स आप देख सकते हैं, निया के जो NB710 एयर डॉट्स हैं, आप इनको एयर डॉट्स भी कह सकते हैं, मैं तो वैसे इनको स्पोर्ट्स एयरबड्स कहूँगा क्योंकि इनकी जो लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी है। सो इसको अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका बॉक्स देख लेते हैं कि बॉक्स में हमारे पास जो है वो कौन कौन से कंटेंट्स है, और बॉक्स के ऊपर जो है हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है। सो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग के नीचे उसका मॉडल नंबर है, उसके बाद में यहाँ पे आपको उसका फॉर्म फैक्टर दिखाया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है टच कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, म्यूजिक एंड कॉल्स। और इस साइड पे देखते चलें तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें इसकी बैटरी टाइमिंग है और इसके अलावा इसकी बैटरी कैपेसिटी है, जो कि मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। बैक साइड पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन इसकी जो जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसका वेट है, इसकी जो वाटर रेजिस्टेंट की जो इसकी रेटिंग है वो भी यहाँ पे बताई जा रही है। सो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। We'll be right back.
सामान है सारा इसके अंदर, हम देखते चलें। हमारे पास एक मैनुअल है, मैनुअल के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिक डिटेल्स दी गई है, चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और यहाँ पे इसकी बेसिक डिटेल है, इसके जो जेस्चर्स हैं टच के उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो राइट बर्ड और एयर बर्ड के जो डिफरेंट जेस्चर्स हैं, वर्किंग इनका सिस्टम है, वो सारा यहाँ पे आपको जो है बताया जा रहा है। और मैं आगे ये जितनी भी टिप्स इसके अंदर दी गई हैं आगे मैं वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। यहाँ पे इसको पहनने का तरीका है, यूज़ करने का तरीका है। एनी हाउ मैं इसको बाद में चेक करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि तो टाइप सी केबल जो है वो 2020 में ऑलमोस्ट हर घर में आ चुकी है, हर ऑफिस में आ चुकी है। तो टाइप सी से जो है आप इसका जो है चार्जिंग केस वो चार्ज करेंगे। सो बाकी चीज़ें भी देखते हैं। साथ में आपको कुछ रिप्लेसेबल यहाँ पे जो हैं इसके एयरबड्स हैं और स्पोर्ट्स वाली जो इसकी ग्रिप्स हैं वो दी हुई हैं, जिनको अभी मैं यहाँ पे खोल के तो दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। सो ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो इसके बैग में से निकली हैं, पॉलीथीन बैग में से। सो ये यहाँ पे इसके स्पोर्ट्स वाले जो हैं सारे ग्रिप्स हैं एयर में लगाने के लिए, ये सारे स्पोर्ट्स वाले हैं, डिफरेंट साइजेस में हैं, स्मॉल है, मीडियम है, तो अपने आप हिसाब से जो है वो लगा सकते हैं इसको। सो इसके अलावा यहाँ पे हमारा मेन कंपोनेंट जो एक चार्जिंग डॉक है या चार्जिंग केस है, तो इसके ऊपर ये आप चार्जिंग केस देखें, बड़ा खूबसूरत चार्जिंग केस है, ब्लैक कलर का केस है लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़ा है और प्लास्टिक बॉडी में बनाया गया है। इसके ऊपर मैट फिनिशिंग है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा इसके ऊपर ब्रांडिंग हुई है, यहाँ पे हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस के लिए लाइट हैं जो कि रिमेनिंग बैटरी या जो बैटरी स्टेटस है उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करेंगी। यहाँ पे आप देखते चलें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, यहाँ पे कैपेसिटी है इसकी 400 mAh की इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा इसकी इनपुट और आउटपुट की जो वो है कैपेसिटी यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टाइप सी की पोर्ट है जिसके थ्रू ये चार्ज होगा। आप किसी भी स्टैंडर्ड USB जो है आपका अडोप्टर है घर पे, आप किसी से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे के अंदर फुली ये चार्ज हो जाएगा और बैटरी टाइम जो है आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा, जो कि अभी मैं आगे इसको चेक करके एक बार आपको बताऊंगा। सो केस को ओपन कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं हमारे पास जो है एक आप कह लें कोई केस नहीं जैसे बना होता, कोई संदूक बना होता है उस तरह की इसकी थोड़ी सी लुक आ रही है। काफ़ी बड़ी इसकी जो है बॉडी है, ब्लैक कलर है सारा, यहाँ पे बड़ी कंटूरिंग्स हैं, बड़ी स्पेसेस हैं। और आप देखते चलें यहाँ पे आपके एयरबड्स आएंगे या एयरपॉड्स आएंगे या एयरडॉट्स आएंगे, यहाँ पे इनकी पोगो पिंस हैं जिनके थ्रू आप जो है इनको चार्ज करेंगे। सो केस जो है काफ़ी बड़ा है। रेफरेंस के लिए मैं अपने मोबाइल से इसको जो है वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल है, अराउंड ये 6 इंच की मेरे मोबाइल की LCD है, साइज़ है, और आप देखते चलें रेफरेंस के लिए इसका साइज़ जो है इतना है। सो ये जो आपके एयर डॉट्स आते हैं शॉमी के या किसी और ब्रांड के एयरपॉड्स आते हैं एप्पल के, उनसे बड़ा ही है इसका केस। लेकिन चूंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए चार्जिंग केस बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जो एयरडॉट्स की शेप है वो भी काफ़ी बड़ी है और डिफरेंट है, थोड़ी सी बल्की है या स्पोर्टियर है, तो वो इसलिए केस उसका बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो हैं एयरडॉट्स आ जाएंगे, या आप इनको एयरपॉड्स भी कह सकते हैं, मैं ईयरबड्स भी कह सकते हैं, या जो भी आप इनको कहना चाहें। तो ये जो है हमारे पास जो है एयरबड्स आ जाएंगे निया ब्रांड के। तो आप देखते चलें साइज़ में काफ़ी बड़े हैं क्योंकि इनकी बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और इसके अलावा इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और इनको थोड़ा सा स्पोर्टियर डिज़ाइन किया गया है ताकि आपके एयर में जो ग्रिप साइंस की वो काफ़ी अच्छी रहे, ज़्यादा उसमें लूज ना हो। कुछ लोगों को देखा मैंने एयर डॉट्स यूज़ करते हैं जो रेडमी के हैं या हेलो GT1 है, तो वो कहते हैं हमारे एयर में ग्रिप्स का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आगे वैसे भी समर का सीज़न आएगा तो स्वेटिंग होगी, आपके ईयर्स में भी स्वेटिंग होगी, तो उससे जो ग्रिप है इसकी लूज़ हो जाती है और वायर गिरने का खतरा होता है। लेकिन ये जो निया के ये वाले डिज़ाइन में आपको एयरबड्स मिलेंगे, इसमें ये जो ग्रिप्स आ जाती हैं ये आपके ईयर्स के कंटोर्स में चल जाती हैं, जिनकी वजह से आपके कानों में जो है
ये फिक्स रहते हैं. सो इनकी बॉडी शेप जो आप देखते चलें, ब्लैक कलर है इनका. यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन लाइट है, दोनों में नोटिफिकेशन लाइट है. ये जो ग्लास वाला हिस्सा है, थोड़ी सी ग्लास टच दिया हुआ है, सारा टच सेंसिटिव है. और इसके अलावा आप यहाँ पे देखते चलें, यहाँ पे हमारे पास पोको पिन्स हैं जिसके थ्रू ये चार्ज होंगे. अराउंड ये जो आपको चार्ज होंगे 2 से 2.5 घंटे में, एयर जो आपके एयरबड्स हैं ये चार्ज हो जाएंगे. और जिसके बॉक्स के ऊपर टाइमिंग बताई गई है वो इसकी 20 आवर्स की है. बाकी आगे वीडियो में आप देखते रहें, मैं इसकी डिटेल एक बार चेक करके आपको जो है इसकी बैटरी टाइमिंग बताऊंगा. तो आप देखते चलें, दोनों में यहाँ पे पोको पिन्स हैं चार्जिंग के लिए, टच सेंसर्स हैं दोनों में, और इसके अलावा डेडिकेटेड माइक्रोफोन्स हैं दोनों में नीचे बैक साइड पे. सो एक अच्छे मतलब क्वालिटी है इसकी, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है. इसके अलावा ये ब्लैक कलर में आते हैं, किसी और कलर में नहीं आते. यहाँ पे जो ये एयर जो इसके टिप्स हैं, इनका साइज़ मीडियम है. अगर आपके कानों का साइज़ छोटा है तो आप स्मॉल या लार्ज भी लगा सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से. अच्छा, तो इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी अच्छी लगी है मुझे. इस प्राइस ब्रैकेट में मुश्किल से ही आपको इस तरह की क्वालिटी की जो है वो एयरपॉड्स मिलते हैं. मैं इसको अराउंड 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ. इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसकी जो कॉलिंग की परफॉर्मेंस है, मुझे किसी भी चीज़ में कोई कमी महसूस नहीं हुई. सो बैटरी की बात करते चलें तो 400 mAh का ये जो केस है इसका चार्जिंग का, 400 mAh का ये केस है. इसके अंदर लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी इंस्टॉल्ड होती है. 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये केस चार्ज हो जाएगा. आप इसको किसी भी टाइप सी केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं. जब आप इसमें केबल लगाएंगे तो ये इसके जो फ्रंट पे लाइट्स हैं नोटिफिकेशन की, ये आपके पास इल्यूमिनेट होंगी. कुछ इस तरह का चार्जिंग इसका स्टेटस है. अभी बिल्कुल बैटरी लो है, मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है. ये अराउंड 1.5 से 2 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाएगी. अभी इस बात कर लेते हैं जो इसके अंदर एयरपॉड्स हैं उनकी बैटरी के रिलेटेड. तो ईच एयरपॉड के अंदर जो है वो आपको 50 mAh की जो है बैटरी मिल जाती है. 50 mAh की एक एयरपॉड के अंदर बैटरी है. इसी तरह इनके अंदर भी लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी है जिसका जो चार्जिंग होल्ड का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है. सो अराउंड म्यूज़िक प्लेबैक पे इन्होंने मुझे 5 आवर्स का बैटरी टाइम प्रोवाइड किया है, और कॉलिंग पे इसका जो बैटरी टाइम है वो 10 आवर्स का है. मतलब कॉल अगर आप करते हैं तो 10 घंटे लगातार कॉलिंग पे आपको ये टाइम प्रोवाइड करेगी. म्यूज़िक प्लेबैक में आपके पास जो है वो 5 घंटे जो है परफॉर्म करेंगी. इसके अलावा इनका जो स्टैंड बाय टाइम है, ये जो एयरपॉड्स हैं इनका स्टैंड बाय टाइम जो है 120 घंटे का है, चूँकि इसके अंदर पॉलीमर बैटरी इंस्टॉल्ड है. और जो चार्जिंग केस है इसका जो स्टैंड बाय टाइम है, मतलब स्टैंड बाय टाइम ये होता है आप अगर चार्ज करते हैं, आप रख देते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो 6 मंथ तक जो है ये चार्जिंग केस अपना चार्ज जो है होल्ड करके रखेगा. सो इम्प्रेसिव बैटरी टाइमिंग है और इम्प्रेसिव बिल्ड क्वालिटी है. इसी तरह केस आप देखते चलें, मैंने पहले भी आपको बताया था एक संदूक जैसी इसकी लुक है केस की, लेकिन स्पोर्टियर है चूँकि काफ़ी आप कह लें एथलेटिक, जो एथलीट्स लोग हैं उनके लिए है ये. जिम जाने वाले, रनिंग करने वाले, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है. क्रिकेट खेलने वाले जो लोग हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रिप है ये हुक के थ्रू बहुत ही अच्छी रहती है आपके ईयर्स में. कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी बहुत ही स्नैपी है, सिंपल. आप अपने मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करें, फर्स्ट टाइम में आपने जब इनको कनेक्ट करना है आप दोनों को बाहर निकाल लें चार्जिंग केस से. आप अपनी ब्लूटूथ सेटिंग्स में आके जो है इनको फाइंड आउट करें आप, तो निया के नाम से जो है ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. ये देखें NB710 इनका मॉडल है. मैं इससे पेयर कर लूँगा और सिंपली ये जो है एयरपॉड्स पेयर हो जाएंगे मेरे मोबाइल के साथ. ये इसकी इजी पेयरिंग है, ठीक है. अब इसकी जो है मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं केस में रखूँगा तो ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही केस से निकालूँगा ये कनेक्ट हो जाएंगे. ये देखें, तो आप देखेंगे फौरन से डिसकनेक्ट हो चुके हैं. अब जैसे ही मैं केस से निकालूंगा तो ये दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे. ये
ये देखें ऑटोमेटिकली इससे हुडी कनेक्ट हो गए। इतनी अच्छी इनकी पेयरिंग है। इसी तरह आप कोई आप एक टाइम पे एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई राइट यूज़ करना चाह रहे हैं आप राइट को रख दें, लेफ़्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट को बीच में केस में रख दें, तो आप कोई एक इंडिविजुअल एयरपॉड जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी और बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा, म्यूज़िक जेस्चर्स जो है उसकी बात करते चलें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों में इंडिविजुअल जेस्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉल रिसीव और ड्रॉप के लिए जो है आपने सिंगल टैप करना है। टच सेंसर पे कॉल रिसीव हो जाएगी, सिंगल टैप से कॉल ड्रॉप हो जाएगी। म्यूज़िक पे इस तरह है कि अगर मैं ये लेफ़्ट को पकड़ लेता हूं तो लेफ़्ट पे सिंगल टैप पे म्यूज़िक आपका पॉज हो जाएगा और इसी तरह सिंगल टैप पे आपका जो है म्यूज़िक ये प्ले हो जाएगा, ये लेफ़्ट के थ्रू है, ठीक है। और इसी तरह डबल टैप पे जो लेफ़्ट है इससे वॉल्यूम आपका जो है वो एडजस्ट होगा, वॉल्यूम जो है लेफ़्ट से आपका बढ़ जाएगा। डबल टैप करेंगे वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा और अगर आप टच एंड होल्ड रखेंगे तो आपका गाना जो है वो रिवाइंड हो जाएगा। इसी तरह राइट में इस तरह है कि जब आप सिंगल टैप करेंगे तो पॉज है, सिंगल टैप पे प्ले है, डबल पे जो है वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो आप देखें बड़े ही ज़बरदस्त इसके जेस्चर्स हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ये देखें, आप सिंपली डबल करूँगा तो म्यूज़िक वहाँ पे जो है वो जो उसकी वॉल्यूम है डिक्रीज़ हो जाएगी और इसको करूँगा तो वॉल्यूम वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। और जो एक्यूरेसी है इसकी एयरपॉड ये जो इनके टच सेंसर्स की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह मैंने बताया टच एंड होल्ड पे म्यूज़िक आपका रिवाइंड हो जाएगा और इसी तरह टच एंड होल्ड पे आपका जो है म्यूज़िक वो फॉरवर्ड हो जाएगा। बहुत ही अच्छे जेस्चर्स हैं। इसी तरह वॉइस असिस्टेंट अनेबल करने के लिए आपको ट्रिपल टैप इस पर करना है और कॉल जो है उसको रिसीव करने के लिए आप सिंगल टैप पे कॉल रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह कॉल्स पे आपको कभी ये डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कॉल्स पे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको आवाज़ आती भी बहुत अच्छी है और आपकी आवाज़ आगे जो रिसीविंग एंड है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी आवाज़ जो है से डिलीवर होती है। क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पे माइक्रोफोन है, मोस्टली एयरपॉड्स में एक साइड पे माइक्रोफोन होता है तो एक माइक्रोफोन ही चलता है, इस पर आपके दोनों चलेंगे। और इसमें आप ये है कि एक यूज़ कर सकते हैं, राइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो इसकी यूटिलिटी है बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इन पे लाइट्स जो हैं वो सिर्फ मुख्तसर टाइम के लिए चलती हैं, जब ये कनेक्टिविटी के प्रोसेस में हो उसके बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो लाइट से अनॉय होने वाले लोग जो हैं वो भी बेफिक्र रह सकते हैं। इसी तरह इनकी जो ग्रिप है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैग्नेटिक लिड है इसकी, जैसे आप ओपन करेंगे इसमें बड़े इसके ज़बरदस्त कंटोर्स बने हैं। यहाँ पर आपने लेफ़्ट लगा देनी है और यहाँ पे आपकी राइट लग जाएंगे और ये जो मैग्नेटिक है सिस्टम ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पायदार है। एक बार लगा देंगे तो इसमें से सवाल नहीं पैदा होता कि ये इसमें से गिर जाए। सो इतने फुल फ्लेज है फीचर्स के साथ, तो होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं, मैंने जितने भी फीचर्स ब्रेक डाउन हो सकते थे मैंने वो किए हैं। इवन के इनको मैंने 1 वीक अपने पर्सनल यूजेज में रखा ताकि मैं इनको प्रॉपर तरीके से मतलब चेक कर सकूँ, इसको इंस्पेक्ट कर सकूँ, इसकी क्वालिटी, इसकी कनेक्टिविटी और इसकी जो रेंज है वो कैसी है। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट जो है वैल्यू फॉर मनी है और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है इस प्राइस रेंज में। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, mtex.com हमारी वेबसाइट है। और आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।